हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। इफ यू लाइक अवर कंटेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम गेट 2021 में पूछे हुए रियल एनालिसिस के और कैलकुलस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस ऑफ 11 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 36। फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैफसन मेथड। एक्स एन इक्वल्स टू एक्स एन, एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स एन माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। With x0 equals to 2.1 for finding the roots at alpha equals to 2 of the equation fx equals to 0 is, हमें यहाँ से बताना है order of convergence होगा क्या। So यहाँ से अगर इस question को करने हम देखें, so इसके लिए order of convergence, हम Newton Raphson method के लिए order of convergence, order ऑफ कन्वर्जेंस या तो हमारे पास 2 होगा या हमारे पास 1 होगा। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 हमारे पास कब आएगा? 2 हमारे पास जब आएगा रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी, रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू हमारे पास 1 हो, रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 में हमारे पास रूट हो, और इन केस रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी हमारे पास रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 होगी, उस केस में हमारे पास 1 आएगा। यही हम यहाँ से लेंगे। बट अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन में देखें, हमें फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स ही हमें यहाँ से गिवन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस ऑफ 2 एक्स क्यूब माइनस ऑफ 11 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12 एक्स प्लस ऑफ 36, ये हमें गिवन है। सो अगर एफ डैश एक्स हम यहाँ से फाइंड आउट करें, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 एक्स क्यूब प्लस ऑफ 6 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 22x आएगा और माइनस ऑफ 12 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ से एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करें, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 12 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ 12 ऑफ एक्स आ गया हमारे पास, यहाँ से माइनस 22 आएगा। अब अगर हम यहाँ से देखें हमें कौन से पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, यहाँ से हमने पॉइंट पहले से ही गिवन है अल्फा इक्वल टू 2। अल्फा इक्वल टू अगर हम यहाँ से 2 लेते हैं, सो यहाँ से हम अल्फा इक्वल टू अगर 2 होगा, अल्फा इक्वल टू 2 पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू तो हमारे पास 0 आ रहा है। सिमिलरली एफ डैश 2 अगर हम फाइंड आउट करें वो भी 0 आएगा, बट यहाँ से अगर हम एफ डबल डैश 2 फाइंड आउट करें इसकी वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो आएगी। नॉन जीरो वैल्यू हमें बताती है रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी यहाँ से क्या आ रही है? 2। रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2 आ रही है, देन यहाँ से ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ से 1 आने से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, let f is mapping from R cube to R be a twice continuously differentiable scalar field such that divergence of del f equals to 6. Let s be the surface of x square plus y square plus z square equals to 1 and n cap be the unit outward normal to s. Then the value of double integration over s del f dot n ds is. So हमें यहाँ से इसकी value find out करनी है। So यहाँ से हम काम में लेंगे Gauss divergence theorem. According to the Gauss divergence theorem, double integration f dot n cap with respect to s is equals to here triple integration divergence of f with respect to dv here. ट्रिपल इंटीग्रेशन आ रहा है हमारे पास यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से काम में लेंगे तो हमारे पास इसके लिए जो फंक्शन हमने गिवन है उसके लिए डाइवर्जेंस निकालना होगा। सो अगर डाइवर्जेंस हम फाइंड आउट करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन में गिवन है, ये तो हमारे पास 6 पहले से गिवन है। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन 6 डीवी आ गया। अब हमने यहाँ से जो क्वेश्चन फंक्शन दिया हुआ है वो हमारे पास यहाँ से सर्फेस दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो ओवरऑल हमने यहाँ से सर्फेस ये इसका वॉल्यूम निकालना किसका है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे सो ये हमारे पास 6 ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डी वी आ गया। सो ओवरऑल अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो यहां से हमारे पास वैल्यू बनेगी 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ हमारे पास आ जाएगा यहां से वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आ गया। अब यहाँ से स्पेयर का वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा? स्पेयर की रेडियस हमारे पास 1 गिवन है, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आ गया 4 बाई 3 पाई आर क्यूब होगा। आर की वैल्यू हमारे पास 1 है, सो 1 क्यूब। सिंप्लीफाई करें, 3 से 6 को कैंसिल आउट कर दे, 2 वैल्यू आएगी। सिंप्लीफाई करें सो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी 8 पाई। सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें हमारे पास ऑप्शन डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, लेट एफ is mapping from R square to R be given by f of xy equals to 4xy minus of 2x square minus of y raised to the power 4, then f has, we have to find local maxima, saddle point or what. So अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ से हमारा फॉर्मेट रहेगा, हम f of x हमें गिवन है, f of xy equals to है क्या है हमारे पास 4xy minus of 2x square है minus of y raised to the power 4 है। सो इसके लिए हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, f x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, f x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रही है 4y,
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये चल रहा है, फोर यहाँ से साथ ही आएगा हमारे पास फोर ऑफ एक्स। सिमिलरली एफ वाई की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एफ वाई की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, फोर एक्स माइनस ऑफ फोर इंटू वाई टू द पावर थ्री आ गया। अब यहाँ से इसी फंक्शन का अगर हम दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, उससे पहले हमने यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। यहाँ से एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों को हम जीरो के इक्वल रखेंगे, सो अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को हम यहाँ से एफ ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स इक्वल टू वाई आएगा। और यहाँ से दूसरी इक्वेशन से भी हमारे पास अगर यहाँ से देखेंगे एक्स इक्वल टू वाई रखते हैं, इस इक्वेशन में एक्स इक्वल टू वाई सब्सटीट्यूट करेंगे सो वो हमारे पास कॉमन आए, साथ ही वाई हमारे पास कॉमन आएगा, वन माइनस ऑफ वाई स्क्वायर सिंप्लीफाई होगा इक्वल टू जीरो आएगा। सो यहाँ से या तो वाई इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो दो पॉइंट्स और मिल रहे हैं वाई इक्वल टू प्लस वन एंड वाई इक्वल टू माइनस ऑफ वन, ये पॉइंट्स हमारे पास यहाँ से हमने मिल गए हैं। अब हम यहाँ से दोबारा एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, सो एफ एक्स एक्स इक्वल टू हमारे पास एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ फोर आएगा। सिमिलरली एफ का दो बार वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ से माइनस ऑफ ट्वेल्व वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से मिल चुकी है। सो अगर हम यहाँ से अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें, सो इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ साथ ही एक वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है इसका वाई के रेस्पेक्ट में और करेंगे। सो एफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से, फोर वैल्यू आ गई है। अभी हमारे पास ये सारी वैल्यू आ चुकी है, अब हमने यहाँ से देखना है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमारे पास प्रोसेस रहेगी, आर अगर हमारे पास लेस देन जीरो आता है और आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो आती है तो उसके केस में तो हमारे पास यहाँ से सैडल पॉइंट बनेगा। सिमिलरली अगर आर लेस देन जीरो आ जाए और आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आ जाए, इसके केस में तो हमारे पास सैडल पॉइंट बनता है। और यहाँ से सिमिलरली अगर ये प्रोसेस होती है तो इसके केस में अगर आर लेस देन जीरो आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आए तो इसके केस में हमारे पास लोकल मैक्सिमा बनेगा, और इन केस अगर यहाँ से आर हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आ जाए और आर टी माइनस एस स्क्वायर हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो इस केस में हमारे पास बनेगा लोकल मिनिमा। तो ये अगर हम प्रोसेस यहाँ से काम में लेते हैं, हमारे पास ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो अगर पॉइंट्स के लिए हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ से पॉइंट्स आ रहे हैं क्या है, एक तो पॉइंट आ रहा है हमारे पास जीरो जीरो, आर वाई की वैल्यू जीरो आ रही है सो एक पॉइंट तो जीरो जीरो मिल रहा है, एक पॉइंट हमें मिल रहा है प्लस वन प्लस वन, एक वैल्यू हमें मिल रही है माइनस वन माइनस वन। सो आर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ से, एफ एक्स एक्स की वैल्यू तो हमारे पास आर है, आर की वैल्यू तो लेस देन जीरो आएगी, आर की वैल्यू हमारे पास लेस देन जीरो फिक्स है सो ये वैल्यू तो हमारे पास फिक्स ही बनेगी, सो ये केस तो हमारे पास अराइज ही नहीं हो रहा, आर की वैल्यू हमें लेस देन जीरो मिल चुकी है। तो अब हम आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ से, ये हमारे पास आर है और एस है हमारे पास एक्स वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और टी है दो बार वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। सो यहाँ से अगर हम देखेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर, सो आर इंटू टी करेंगे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ से, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो गया 48 वाई स्क्वायर आ रहा है और माइनस ऑफ एस स्क्वायर यानी 16 आ रहा है। सो अगर हमारे पास यहाँ से वैल्यू हम वाई की वैल्यू जीरो लेते हैं उस केस में आर टी माइनस एस स्क्वायर माइनस ऑफ 16 आ रहा है, सो माइनस ऑफ 16 इम्प्लाइज नेगेटिव, नेगेटिव इम्प्लाइज सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट बन रहा है जीरो जीरो पर। सिमिलरली अगर हम वाई की वैल्यू पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, लाइक माइनस वन ले या प्लस वन ले, ये हमारे पास 48 माइनस प्लस वन माइनस वन के लिए 48 बन रहा है, माइनस ऑफ 16 वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई, इम्प्लाइज मैक्सिमा बन रहा है हमारे पास 1 1 और माइनस 1, ये दोनों पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा दे रहे हैं और ये हमारे पास सैडल पॉइंट दे रहा है। सो अगर तीन ही पॉइंट हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट बने, सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड सैडल पॉइंट, सो यहां से एफ है हमारे पास लोकल मैक्सिमा भी आया और सैडल पॉइंट भी आया, लोकल मिनिमा हमें यहां से नहीं मिला है। सो अगर लोकल मिनिमा नहीं मिला है तो यहां से हमारा ऑप्शन सेकंड डिस्कार्ड हो गया, सिमिलरली ऑप्शन थर्ड भी हमारे पास डिस्कार्ड हो गया और सैडल पॉइंट भी हमें एक ही मिला है, सो ऑप्शन लास्ट भी डिस्कार्ड हो गया। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन होना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, so the next question is here, let f is mapping from r square to r is given y, f of x y equals to square root of x square plus y square sine of y square x, if x does not equals to 0 and if x equals to 0 then this will be equals to here 0, then consider the following statement, हमें दो statement दिया, first statement कहता है f is continuous at 0 0 but f is not differentiable at 0 0 and second statement कहता है the directional derivative du f at 0 0 of f at 0 0 exist in the direction of every unit vector u belongs to r square, so हमें बताना है कौन सा statement यहाँ से। सो अगर हम यहाँ से लेके चले एफ ऑफ एक्स वाई हमें गिवन है, सो अगर हम यहाँ से एक्स इक्वल्स टू सिंप्लीफाई करने के लिए आर कोस थीटा ले लें एंड वाई इक्वल्स टू यहाँ से सिंप्लीफाई करने के लिए आर साइन थीटा ले लें, तो हमने यहाँ से एक्स की जगह ये लिख दिया, वाई की जगह लिख दिया, सो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू हमारे पास एक्स की जगह आर कोस थीटा रिप्लेस कर लेंगे, सो एफ ऑफ आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा ये आएगा हमारे पास यहाँ से, ये इक्वल आ रहा है हमारे पास यहाँ से व्हेनेवर एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो वाला केस लेके चल रहे हैं। एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो वाला केस अगर हम यहाँ से लेके चलेंगे सो इसकी वैल्यू
हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, ये आएगा हमारे पास आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया, इम्प्लाइज आर हो गया साइन ऑफ वाई स्क्वायर, लिखेंगे वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, आर स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या बन रहा है, आर कोस थीटा, ये हमारे पास यहाँ से बन रहा है। सो अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें, सो आर से आर कैंसिल आउट कर देंगे, सो अगर इसको सिंप्लीफाई करें इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, लिमिट आर इज टेंडिंग टू, हम यहाँ से जीरो लेके चलेंगे बिकॉज एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो लेके चल रहे हैं, सो इस केस में लिमिट आर इज टेंडिंग टू जीरो आएगा, और आर साइन ये आ रहा है हमारे पास आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई हमारे पास बन रहा है कोस थीटा। सो इसकी वैल्यू ओवरऑल हमारे पास आर इज टेंडिंग टू जीरो की वजह से पूरी टर्म जीरो की ओर टेंड कर रही है, सो व्हेनेवर एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो स्टिल एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है तो इसके केस में हमारे पास हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, एफ हमारे पास जो है वो हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है एट जीरो जीरो, ये वैल्यू तो हमें मिल गई है। अब हमने यहां से डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कहा गया है, सो अगर डिफरेंशियबिलिटी चेकआउट करेंगे, सो डिफरेंशियबिलिटी के लिए यहां से हम क्या लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, सो एफ एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालें एट जीरो जीरो, सो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एच इज टेंडिंग टू, हम लेंगे जीरो, एफ जीरो प्लस एच आएगा कोमा जीरो आएगा, माइनस एफ एट जीरो जीरो लेंगे डिवाइडेड बाई हम करेंगे यहाँ से एच के रेस्पेक्ट में, सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट एच की वैल्यू हम भी अभी भी जीरो की तरफ टेंड करा रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एच आ जाएगा साइन जीरो बाई एच, सो साइन जीरो की वैल्यू हमारे पास जीरो आती है, सो ओवरऑल ये वैल्यू जीरो की ओर टेंड करिए। सिमिलरली अगर वाई के रेस्पेक्ट में डायरेक्शनल डिफरेंशियल देखेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो ले लेंगे, एफ जीरो प्लस एच आएगा स्टिल, एंड देन जीरो आएगा माइनस ऑफ जीरो, सॉरी यहाँ से आएगा हमारे पास एफ जीरो कोमा एच लेंगे, और एफ जीरो कोमा एच जीरो प्लस एच आएगा, जीरो कोमा एच आएगा माइनस ऑफ एफ एट जीरो जीरो आएगा डिवाइडेड बाय हम यहाँ से लेंगे एच। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, स्क्वायर रूट ऑफ एच, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ एच लिख देंगे, और साइन स्क्वायर के स्क्वायर बाई साइन ऑफ के स्क्वायर बाई एच जीरो आएगा, सो हमारे पास ये वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही, ये वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही, सो यहाँ से हम कह सकते हैं लिमिट डज नॉट, और लिमिट एच इज टेंडिंग टू हमारे पास यहाँ से है जीरो, सो यहाँ से ये ओवरऑल हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, सो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, अगर पार्शियल डेरिवेटिव ही हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका हम डायरेक्टली कह सकते हैं डिफरेंशियबल भी नहीं है, और अगर डिफरेंशियबल नहीं होगा हमारे पास, सो स्टेटमेंट पी हमें क्या कहता है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, यहाँ से स्टेटमेंट पी हमें कह रहा है एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट जीरो जीरो बट एफ इज नॉट डिफरेंशियबल एट जीरो जीरो, यहाँ से पी स्टेटमेंट हम डायरेक्टली हमारे पास ये करेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशियबल नहीं है क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स हमारे पास यहाँ से एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अब हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव चेकआउट करने हैं, सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट अगर जीरो जीरो हम चेकआउट करें, सो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें हमने देखना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर हम यहाँ से लें एट जीरो जीरो, सो एट जीरो जीरो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टू, हम जीरो ले लेंगे, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो आ रहा है हमारे पास, साथ ही एफ एच कोस थीटा आ रहा है, एंड प्लस ऑफ यहाँ से एच कोस थीटा एंड जीरो प्लस एच साइन थीटा आएगा, सो ओवरऑल एच कोस थीटा एच साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस में हम यहाँ से लिखेंगे एफ एट जीरो जीरो, और डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ से बनेगा एच आ जाएगा। सो अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें, इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, लिमिट एच इज टेंडिंग टू आ जाएगा यहाँ से जीरो, एच साइन एच डिवाइड एच इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आ रहा है हमारे पास कोस थीटा डिवाइडेड बाई हमारे पास पूरी टर्म में एच आएगा, सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एच इज टेंडिंग टू जीरो रहेगा, सो ओवरऑल यहाँ तो एच से एच कैंसिल हो गया और साइन जीरो की वैल्यू आएगी जीरो, सो यहाँ से इसकी वैल्यू जीरो आ गई, हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है एग्जिस्ट है एट जीरो जीरो, इम्प्लाइज हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, सो यहाँ से हमारे पास क्यू स्टेटमेंट भी इसका यहाँ पर ट्रू हो गया, अगर पी स्टेटमेंट ट्रू है क्यू स्टेटमेंट ट्रू है, सो यहाँ से हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द क्वेश्चन इज लेट एफ एन फ्रॉम इंटरवल 0 टू 10 क्लोज इंटरवल टू आर बी गिवन वाई एफ एन एक्स इक्वल टू एन एक्स एस टू द पावर 3 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स फॉर एन इक्वल टू 1 टू 3 एंड देन सो ऑन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पी स्टेटमेंट हमें गिवन है एफ एन इज इक्वी कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू 10 एंड सेकेंड स्टेटमेंट कहता है सम ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एफ एन डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली एंड इन द ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 टू 1। सो यहाँ से हमें इक्वी कॉन्टिन्यूस के लिए कहा गया है, तो कोई भी फंक्शन हमारे पास इक्वी कॉन्टिन्यूस होगा, यहां से अगर हम इक्वी कॉन्टिन्यूस की बात करें देन हमारे पास यहां से जो फंक्शन आ रहा है उसके लिए जो फंक्शन बनेगा, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अगर हमारे पास फंक्शन यहां से कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ जाए, कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये हमारे पास कन्वर्ज भी करे वो भी यूनिफॉर्मली
कॉन्टिन्यूस फंक्शन, टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन हमारे पास यहाँ से इक्वी कॉन्टिन्यूस कहा जाएगा। अब एफ एन एक्स हमें यहाँ से गिवन है एन इन टू एक्स एस टू दावर थ्री एक्सपोनशियल माइनस एन एक्स। सो यहाँ से हमारे पास, जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारे पास इंटरवल क्या दिया है, यहाँ से 0 टू 10 टू आर में हमारे पास डिफाइन है। सो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ से ये फंक्शन वेन एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो ही आ रही है। सो एफ एन एक्स हमारे पास कॉन्टिन्यूस टू है, यहाँ से एफ एन एक्स हमारे पास जो सिक्वेंस बन रही है फंक्शन की, ये कॉन्टिन्यूस आ रही है जीरो पे, ये तो जीरो पे कॉन्टिन्यूस आ गई। अगर अब हम आगे सिंप्लीफाई करें, आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ से इसके लिए एम एन सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है। एफ एक्स की वैल्यू तो हमारे पास जीरो है, सो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने सुप्रीमम फाइंड आउट करना होगा एन एक्स क्यूब एक्सपोनशियल माइनस एन एक्स के लिए। सो इसका सुप्रीमम फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा एक्सपोनशियल माइनस एन एक्स इन टू, पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे थ्री एन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाएगा हमारे पास। इसकी वैल्यू हमने यहाँ से इक्वल्स टू हम जीरो रखेंगे। सो अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ से जीरो रखने, इसका सुप्रीमम फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास ये फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी वैल्यू जीरो के साथ सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू तो जीरो होगी नहीं, इंप्लाइज हमारे पास थ्री इंटू एन इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इसके अंडर आइटम की वैल्यू जीरो होगी। सो ओवरऑल ये वैल्यू आएगी, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो एक्स इक्वल्स टू हमारे पास थ्री बाई एन बन जाएगा, एक्स की वैल्यू थ्री बाई एन हमारे पास बन रही है। एक हमारे पास एक्स की वैल्यू जीरो बन रही है, एक्स की जीरो वाली वैल्यू तो हम लेंगे नहीं यहाँ से, हम यहाँ से एक्स इक्वल टू थ्री बाई एन वैल्यू लेंगे। अगर ये थ्री बाई एन वैल्यू लेते हैं तो यहाँ से सुप्रीमम हमारे पास क्या बनेगा, इसके लिए सुप्रीमम हमारे पास बनेगा एन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्सपोनशियल एन एक्स। हम सिंप्लीफाई करें, एन एक्स की जगह थ्री बाई एन रखना है, सो ओवरऑल वैल्यू आएगी 27 डिवाइडेड बाई ई क्यूब एन स्क्वायर आ रहा है। मैंने वह एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, दिस वैल्यू विल बी टेंडिंग टू जीरो। हमारे पास यहाँ से सुप्रीमम की वैल्यू जीरो की ओर टेंड कर रही, जीरो की ओर टेंड कर रही है, इंप्लाइज हमारे पास यहाँ से जो फंक्शन दिया हुआ है वो हमारे पास यहाँ से क्या है, ये जो फंक्शन यहाँ से दिया हुआ है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है हमारे पास। अगर ये फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है देन बाय एनएमएन टेस्ट हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कह दिया, इंप्लाइज हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी है हमारे पास यहाँ से, और ये कंटिन्यूस फंक्शन पे कन्वर्ज भी कर रहा है हमारे कंटिन्यूस भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी आ रहा है। सो यहाँ से ओवरऑल हमारे पास पी स्टेटमेंट हो गया ट्रू, एफ एन इज इक्वी कॉन्टिन्यूस ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 टू 10। साथ ही अब हमने यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट देखना है, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास सम ऑफ सीरीज दिया, एफ एन डज नॉट कन्वर्स यूनिफॉर्मली ऑन 0 टू 10, ये हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्स कर रहा है, यहाँ से हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट आ गया, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है हमारे पास बाई एम एन टेस्ट, हमने ये प्रूफ किया है। सो ये एम एन टेस्ट से हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी है। सो हमारे पास और स्टेटमेंट बी तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट क्यू करेक्ट नहीं है, सो यहाँ से हम कह सकते हैं स्टेटमेंट पी इज ट्रू बट स्टेटमेंट क्यू इज फॉल्स, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, लेट गामा बी डिनोट द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर रीजन आर विद वर्टिसेस 0 0 एंड 2 0 2 2 एंड 0 2 ओरिएंटेड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन वी हैव टू फाइंड क्लोज इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इन द कर्व गामा 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। सो यहाँ से इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो इसकी वैल्यू अगर हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से हम लगाएंगे ग्रीन थ्योरम। सो ग्रीन थ्योरम हमें यहाँ से कहती है, यदि हमने यहाँ से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, सो इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल आएगी डबल इंटीग्रेशन एन का डिफरेंशिएशन पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस एम का पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू आएगा हमारे पास यहाँ से डी एक्स डी वाई और यहाँ से ओवर गामा लगाएंगे। सो अगर हम यहाँ से देखें, हमने यहाँ से जो कर्व दिया हुआ है वो जीरो जीरो से स्क्वायर यहाँ से हमने रीजन क्या दिया है, स्क्वायर रीजन आर विद वर्टिसेस 0 0 2 0 2 2 एंड 0 2 ओरिएंटेड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हियर। सो अगर हम यहाँ से रीजन फाइंड आउट करें, सो हमारे पास जो x की लिमिट आ रही है वो 0 2 2 आ रही है और y की लिमिट आ रही है वो भी 0 2 2 आ रही है। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्मेट ही हमें यहाँ से दिया हुआ है, सो वैल्यू आएगी डबल इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन, पहले लिमिट तो हम लगाएंगे एक्स इक्वल टू जीरो से हमारे पास टू तक वैल्यू जा रही है, सिमिलरली वाई इक्वल टू जीरो से हमारे पास वैल्यू टू तक जा रही है। अब यहाँ से एन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो अगर हम यहाँ से देखें एम की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ रही है वन माइनस वाई स्क्वायर, एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ रही है एक्स, तो एम का डिफ्रेंशिएशन एन का डिफ्रेंशिएशन करना है पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एन का डिफ्रेंशिएशन अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वैल्यू जीरो आती है, सो ओवरऑल हमारे पास ये पूरी टर्म ही यहाँ से जीरो में चली गई। एन का सॉरी एन का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, वैल्यू वन आएंगी, सो यहाँ से वैल्यू वन आ गई हमारे पास प्लस,
यहाँ से बीच में माइनस लगाएंगे, अब m का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2y आ गई, माइनस माइनस हम लगा लेंगे, यहाँ से प्लस प्लस का 2y आ गई, हम यहाँ से dx dy लिख देंगे। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले y के रेस्पेक्ट में 0 टू 2 एज इट इज छोड़ देते हैं, y के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो y आ जाएगा प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आएगा। यहाँ से हमने इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में करेंगे, पहले y के रेस्पेक्ट में फिर x के रेस्पेक्ट में लिमिट अप्लाई कर देते हैं, 0 टू 2 आ गई, और इंटीग्रेशन उसके बाद x के रेस्पेक्ट में करना है। सिंप्लीफाई करें, जैसे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 टू 2, लिमिट अप्लाई करेंगे अपर लिमिट से वैल्यू आ रही है 2 से, 2 तो हम कैंसिल आउट करेंगे, अपर लिमिट आएगी 2 प्लस 4 आ गया, और साथ ही अब हमने इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से वैल्यू तो हमारे पास 6 आ गई है। अगर यहाँ से लिमिट अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 6 तो आ गया, इंटीग्रेशन करना है डीएक्स का बिटवीन 0 टू 2, सिंप्लीफाई करेंगे सो x आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट अप्लाई करेंगे 2 माइनस 0, सो ओवरऑल वैल्यू आएगी 6 इंटू 2 12, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 12। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is question number 15. The question says that let f is mapping from R square to R be differentiable. Let du f at 0, 0 and dv at f at 0, 0 be the directional derivative of f at 0, 0 in the direction of unit vectors u at 1 by root 5 and 2 by root 5 and v equals to 1 by root 2 minus 1 by root 2 respectively, if du f at 0 0 equals to root 5 and dv at f 0 0 equals to root 2, then del f by del x at 0 0 plus del f by del y at 0 0 equals to, we have to find value of this one here. So agar humne yahan se iski value find out karni hai, so u hume jo given hai, u hume yahan se given hai 1 by root 5 comma 2 by root 5, ye hume yahan se given hai. So agar hum yahan se नॉर्म ऑफ यू फाइंड आउट करें, नॉर्म ऑफ यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम स्क्वायर रूट करेंगे एक एक टर्म का स्क्वायर करके, लाइक यहाँ से 1 बाई रूट 5 का स्क्वायर 1 बाई 5 आएगा और 2 बाई रूट 5 का स्क्वायर 4 बाई 5 आएगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे, नॉर्म ऑफ यू आ गया हमारे पास 1। सिमिलरली अगर वी के लिए देखें तो वी हमें यहाँ से क्या गिवन है, वी हमें गिवन है 1 बाई रूट 2 एंड माइनस 1 बाई रूट 2, सो अगर हम यहाँ से नॉर्म ऑफ v फाइंड आउट करें, नॉर्म ऑफ v भी हमारे पास यहाँ से 1 ही आएगा क्योंकि 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 1 आ गया, सो नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v इक्वल्स टू 1 आ चुका है। अब अगर हम यहाँ से डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का हमारे पास मेथड क्या होगा, हम डेल एफ फाइंड आउट करेंगे, डेल एफ का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अगर यू के डायरेक्शन में फाइंड आउट करें तो यू का यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, यू के यूनिट वेक्टर से डेल एफ का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। सो अगर हम क्वेश्चन में देखें, हमें यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से यदि हम डेल एफ मान के चले, लेट अस टेक डेल्टा ऑफ एफ इक्वल्स टू हमारे पास ए आई प्लस बी जे के इक्वल है, ये हमारे पास यहाँ से इसके इक्वल है डेल एफ, सो अगर ये हमें यहाँ से गिवन है तो अगर ए आई प्लस बी जे, ये तो हमारे पास डेल्टा एफ हमने माना है, डेल एफ हमने माना है, और यू का जो यूनिट वेक्टर हमारे पास बनेगा, तो यू का यूनिट वेक्टर हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, यू हमें यहाँ से गिवन है 1 बाई रूट 5, सो यहाँ से 1 बाई रूट 5 इंटू आर आई आ रहा है प्लस 2 बाई रूट 5 इंटू में जे आ रहा है, और यहाँ से इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें मैग्नीट्यूड 1 ही आ रहा है। सो अगर हम अब इसको सिंप्लीफाई करें, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से बननी चाहिए रूट 5, सो हम यहाँ से इक्वल्स टू में लिख देते हैं रूट 5, सो अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या बनती है, I का डॉट प्रोडक्ट I से करेंगे, सो I इंटू I करेंगे 1 आएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी a बाई रूट 5 प्लस 2 बाई रूट 5 इंटू में आ रहा है b इक्वल्स टू आ रहा है रूट 5, सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू बन रही है हमारे पास यहाँ से a प्लस 2b इक्वल्स टू 5 आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सिमिलरली अगर इक्वेशन सेकंड के लिए देखें, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं, अब अगर हम यहाँ से डेल एफ का डॉट प्रोडक्ट कराएं वी के कैप के साथ, तो वी कैप के साथ कराएंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, डेल एफ तो हमारे पास है ए आई प्लस बी जे के इक्वल, और यहाँ से वी की जो वैल्यू है वह हमारे पास यहाँ से क्या गिवन है, वी की वैल्यू हमें यहाँ से गिवन है ए वन बाई रूट टू, आई बाई रूट टू है हमारे पास यहाँ से, माइनस में जे बाई रूट टू है, और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 ही बन रहा है। सो ओवरऑल अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हमारे पास रूट टू के इक्वल आ रही है। सो अगर हम यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, आई का डॉट प्रोडक्ट आई से होगा, यहाँ से ए बाई रूट टू आएगा प्लस माइनस में हमारे पास बी बाई रूट टू आएगा, इक्वल्स आ रहा है हमारे पास रूट टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें, सो हमारे पास यहाँ से वैल्यू
क्या आएगी, ए माइनस बी इक्वल्स टू टू, ये इक्वेशन हमारे पास सेकेंड आ गई। अब अगर हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सिंप्लीफाई करें, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बन रही है ए प्लस टू बी इक्वल्स टू फाइव आ रहा है, इक्वेशन सेकेंड हमारे पास बन रही है ए माइनस बी इक्वल्स टू टू। अगर इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर ले, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ गई थ्री बी इक्वल्स टू थ्री आ रहा है, इम्प्लाइज बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से वन आ गई, बी की वैल्यू वन आ गई। अगर बी की वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट करें तो वन ए इक्वल्स टू टू प्लस वन इक्वल्स टू हमारे पास थ्री आ गया, ए की वैल्यू थ्री आ रही, बी की वैल्यू वन आ गई। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है डेल एफ की। सो ओवरऑल डेल एफ की अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी एट जीरो जीरो। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई एट जीरो जीरो देखना है, इम्प्लाइज हमें यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या बनी है थ्री, बी की वैल्यू हमारे पास बनी है वन, सो ए प्लस बी की वैल्यू आएगी फोर। सो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा फोर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, लेट एच बी अ कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस एंड यू वी बिलोंग्स टू एच बी सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इक्वल्स टू टू, देन 1 बाई 2 पाई इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू 2 पाई नॉर्म ऑफ यू प्लस एक्सपोनेंशियल आइटा टी वी स्क्वायर इक्वल्स इन टू एक्सपोनेंशियल आइटा टी डी टी इक्वल्स टू। सो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो अगर हमें यहाँ से गिवन है, अब हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है नॉर्म ऑफ यू प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा टी वी की। पहले हम इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। सो अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, हमने इनर प्रोडक्ट देखना होगा, यू प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा टी एंड वी एंड कोमा यू प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा टी वी। सो अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, पहले हम यू का इनर प्रोडक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू एंड प्लस एक्सपोनेंशियल, यहाँ से अब हमने यू का इनर प्रोडक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंशियल आइटा टी एंड वी हियर, नेक्स्ट वन इज हियर प्लस एक्सपोनेंशियल आइटा टी वी का इनर प्रोडक्ट करेंगे हम यू के रेस्पेक्ट में, प्लस नेक्स्ट वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल आइटा टी वी का इनर प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियल आइटा टी वी के रेस्पेक्ट में। सो अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, यू का इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं हम यहाँ से यू के रेस्पेक्ट में, प्लस यहाँ से एक्सपोनेंशियल आयोटा बार आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से एक्सपोनेंशियल बार में हम लिखेंगे। सो ओवरऑल हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा टी बाहर आ जाएगा यहाँ से, और यू वी का इनर प्रोडक्ट आ गया, प्लस यहाँ से एक्सपोनेंशियल आयोटा टी बाहर आएगा, यू वी का इनर प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास यहाँ से, प्लस यहाँ से एक्सपोनेंशियल आयोटा टी एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा टी दोनों ही बाहर आएंगे, और यहाँ से वैल्यू हमारे पास बनेगी यू एंड वी का। तो यहाँ से हमने प्रॉपर्टी काम में ली है, अगर हमने यहाँ से U A V अगर यहाँ से दिया है तो ये वैल्यू तो हमारे पास आएगी A बार U V के, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमने यहाँ से दिया गया हो U A U V तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी A into inner product of U V, फॉर्मूले हमने यहाँ से काम में लिए। अब अगर हम यहाँ से इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो इसके आगे सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से जैसा कि हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास नॉर्म ऑफ यू के स्क्वायर के, प्लस यहाँ से ये आ रहा है हमारे पास टू इंटू, यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास टू इंटू एक्सपोनेंशियल यू वी, यू वी की वैल्यू हमारे पास टू इनर प्रोडक्ट की, टू टू इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आयटा टी, प्लस टू इंटू एक्सपोनेंशियल आयटा टी आएगा, प्लस वी का हमारे पास नॉर्म का स्क्वायर आएगा। सो अगर अब हम यहाँ से इसको आगे सिंप्लीफाई करें, हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है वन बाई टू पाई, वन बाई टू पाई इंटीग्रेशन बिटवीन जीरो टू टू पाई नॉर्म ऑफ यू प्लस एक्सपोनेंशियल आयटा टी v का स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल आल्टा टी डी टी। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें, सो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ से हम राइट आउट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे वन बाई टू पाई इंटीग्रेशन बिटवीन, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, पहले तो हमारे पास u का स्क्वायर आएगा, सो इसमें सीधा सीधा हम फॉर्मूला ही लगा देंगे, सो इसकी वैल्यू हमारे पास बन रही है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल्स टू में बन रही है वन बाई टू पाई, ये हमने यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टू पाई हमने करना है, नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर आएगा प्लस टू इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आयटा टी प्लस टू इंटू एक्सपोनेंशियल प्लस आयटा टी प्लस ऑफ नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर इंटू हमने यहाँ से लिखना होगा एक्सपोनेंशियल आयटा टी डी टी आएगा। तो अगर हम इसके लिए वैल्यू सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आएगी वन बाई टू पाई, नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल आयटा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिवाइड में आयटा आ गया, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें, लिमिट अप्लाई कर देते हैं जीरो टू टू पाई, प्लस टू इंटू टी आएगा। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई,
इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटी को एक्सपोनेंशियल माइनस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 बन रहा है, 1 का इंटीग्रेशन टी आ रहा है, लिमिट 0 टू 2 पाई आ रहा है। सेम फॉर्मेट से यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, एक्सपोनेंशियल आयोटा 2t बन जाएगा, डिवाइडेड में हम 2 आयोटा लगा देंगे, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, 0 टू 2 पाई वैल्यू आ गई। प्लस अगर नेक्स्ट प्रोसेस नेक्स्ट एलिमेंट को अगर हम यहाँ से लिखेंगे सो 1/2 पाई, तो हमारे पास यहाँ से इस पूरे इंटू में आ रहा है, प्लस वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास एक्सपोनेंशियल आयोटा टी डिवाइड में आ रहा है हमारे पास आयोटा, लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 टू आ रहा है हमारे पास यहाँ से 2 पाई। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या बन रही है, 1/2 पाई आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ रहा है हमारे पास यहाँ से टी, एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा माइनस में आ रहा है एक्सपोनेंशियल 0 इम्प्लाइज 1 आ रहा है, प्लस 2 × 2 पाई आ रहा है हमारे पास यहाँ से, प्लस 1/i इंटू एक्सपोनेंशियल 4 पाई आयोटा आ रहा है, और एक्सपोनेंशियल 0 की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, प्लस आ रहा है हमारे पास यहाँ से नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आयोटा एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा इन माइनस में आ रहा है एक्सपोनेंशियल 0 इम्प्लाइज 1 आ रहा है। सो अगर हम यहाँ से एक्सपोनेंशियल सीन्स एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा एंड एक्सपोनेंशियल 4 पाई आयोटा की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ से 1 ही होगी हम जानते हैं। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें सो 1 − 1 = 0 गया, ये वैल्यू हमारे पास 0 जाएगी और ये वैल्यू हमारे पास 0 जाएगी। सो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, सो 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 2, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, consider the following statement, d1xy equals to log of x by y mod is a metric on 0 to 1 and d2xy is equals to mod of xy mod of x mod of y if x does not equals to y and if x equals to y this one will be equals to 0 is metric on 0 to 1. We have to find which of the following statement is correct. So यहाँ से P और Q हमने दो statement given है. So अगर हम यहाँ से definition काम में ले metric space की metric की, so D is metric on any interval D is, if D is defined from x cross x to R, then हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ली जाती है, अगर दो एलिमेंट्स x और y हम यहाँ से x से बिलोंग करते हुए दो एलिमेंट ले, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी m1 प्रॉपर्टी तो हमें यहाँ से कहती है डी एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x y, एक्स वाई बिलोंग्स टू x, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इक्वल्स टू 0 वाली, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू y हो हमारे पास। थर्ड प्रॉपर्टी हमें कहती है नॉन नेगेटिव कंडीशन, तो हो गई इक्वल्स टू 0 हो गई, देन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहती है डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी ऑफ yx, and then last property is here triangle inequality dxy plus dyz must be greater than equals to d of xz here. So अगर अब हम यहाँ से simplify करें first property यहाँ से first p statement के लिए देखें, so d1xy is given as here mod of log x by y here, हमें यहाँ से ये given है, अगर हमें यहाँ से ये गिवन है सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लेके चलते हैं, एज वी नो दैट डी ऑफ एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारे पास डायरेक्टली होल्ड हो रही है, हम यहाँ से कह सकते हैं लॉग ऑफ एक्स वाई के लिए, लॉग एक्स के लिए ग्रेटर इक्वल्स टू 0 वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, और इन केस अगर हम एक्स इक्वल्स टू वाई लेंगे इम्प्लाइज हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा लॉग 1 आएगा, या फिर लॉग 1 व्हेनेवर एक्स इक्वल्स टू वाई होगा उसी केस में आएगा, ये वैल्यू 0 आएगी इम्प्लाइज d1xy इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से 0 हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी भी हमारे पास यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी डायरेक्टली हमने लॉग के ग्राफ से होल्ड करवा दी है, इक्वल्स टू 0 वाली हम यहाँ से कह सकते हैं, और यहाँ से अगर डी एक्स वाई की जगह डी वाई एक्स लिखी लाइक एज इन दिस क्वेश्चन डी एक्स वाई इज गिवन एज हियर मॉड ऑफ लॉग एक्स बाय वाई, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें मॉड लॉग एक्स माइनस लॉग वाई हम राइट आउट कर सकते हैं, सो अगर हम यहाँ से बाहर माइनस ले ले कॉमन सो ये हमारे पास लिखा जा सकता है माइनस, इनकेस अगर हम कॉमन ले तो ये आएगा हमारे पास लॉग वाई माइनस में लॉग एक्स आएगा। अब हमने यहाँ से इसके लिए भी मॉड ही लगा रहे हैं, यहाँ से इसी में से माइनस कॉमन लिया, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें हम लिख सकते हैं लॉग वाई माइनस लॉग एक्स, मॉड में लॉग ऑफ माइनस एम, मॉड में माइनस ऑफ एम का मॉड इक्वल्स टू प्लस एम के मॉड के इक्वल इक्वल्स टू एम होता है, सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें हमारे पास आएगी लॉग वाई by x mod में आ गया, so ये जो value आ रही है वो हमारे पास dy of x की आ रही है, so यहाँ से symmetric property भी hold हो रही है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से last property देखें triangle inequality, triangle inequality के लिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, third यहाँ से हमने third property proof कर दिया है, यहाँ हमने second property proof की है, और first property हम directly graph के through कह रहे हैं ये property hold हो रही है। अब हमने fourth property यहाँ से proof करनी है, so fourth property हमें dxy equals to यहाँ से अगर हम लिखेंगे so इसकी value हमारे पास क्या आएगी mod log x माइनस वाई आता है, तो अगर हम इसमें यहाँ से log x जोड़ दें और log x घटा दें कोई चेंज नहीं आएगा हमारे पास यहाँ से, सो अगर अब हम इसको सिंप्लीफाई करें सो log इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं log x माइनस log z,
ये तो हम यहाँ से लेस देन इक्वल टू करके हमने मॉड की प्रॉपर्टी लगाई, प्लस लॉग जेड माइनस लॉग वाई हम यहाँ से लिख रहे हैं। सो अगर अब हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, सो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, लेस देन इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास बनेगी डी ऑफ एक्स जेड प्लस ये वैल्यू बन रही है डी ऑफ जेड वाई, ये बन रहा है यहाँ से। सो ओवरऑल सिंप्लीफाई करने से हमारे पास वैल्यू होल्ड होगी, हमने यही प्रूव करना था। सो यहाँ से हम कह सकते हैं पी तो हमारे पास मेट्रिक है। सो इफ पी इज मेट्रिक ऑन 0 to 1 देन यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा हम सेकंड स्टेटमेंट पे काम करें। सेकंड स्टेटमेंट से यहाँ से हम देखें, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मॉड वाली प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड मॉड ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी डायरेक्टली हमारे पास 0 है, ग्रेटर इक्वल टू 0 पॉजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड हो रही है। एज वी कैन सी हियर अगर एक्स इक्वल टू वाई होगा तो डी टू एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारे पास यहाँ से होल्ड हो रही है। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ से लिखें डी एक्स वाई, हमारे पास अगर यहाँ से दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें इसे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वाई प्लस मॉड ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास यहाँ से इक्वल होगा डी वाई एक्स के। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारे पास यहाँ से होल्ड हो गई है और इनके 0 है तो 0 तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को वैसे ही होल्ड कर रहा है। और अगर फोर्थ प्रॉपर्टी भी लें तो यहाँ से मॉड की हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी से यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास यहाँ से फोर्थ प्रॉपर्टी भी डायरेक्टली हम होल्ड करवा देंगे। सो यहाँ से क्यू भी हमारे पास मैट्रिक हो जाएगा, पी भी हमारे पास मैट्रिक ऑन 0 to 1, क्यू भी हमारे पास मैट्रिक है ऑन 0 to 1। सो यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू इज करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एफ इज फंक्शन फ्रॉम -π/2 टू π/2 टू आर is given by f of x equals to π/2 plus x minus tan inverse x. Consider the following statement. First statement, p statement हमें दिया हुआ है f of x minus f of y का जो mod है वो less than आ रहा है हमारे पास mod x minus y for all x y belongs to -π/2 to +π/2 interval. एंड क्यू वी एफ हैज फिक्स्ड पॉइंट। सो अगर हम यहाँ से देखें, हमने यहाँ से एफ ऑफ एक्स गिवन है, अगर एफ ऑफ एक्स हमने यहाँ से गिवन है, सो पी अगर स्टेटमेंट को हम काम में लें, तो पी स्टेटमेंट में हमने यहाँ से ये प्रूफ करना है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेना है। सो अगर हम यहाँ से दोनों साइड डिवाइड कर दें मॉड एक्स माइनस वाई से, सो ये लेस देन 1 आएगा। सो ये प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए अगर हम यहाँ से ये प्रूफ करवा दें पी स्टेटमेंट में, हमारा पी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब हमने क्वेश्चन में अगर देखे तो एफ ऑफ एक्स हमने यहाँ से गिवन है, एफ ऑफ एक्स हमने यहाँ से गिवन है π/2 माइनस प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, हमने यहाँ से ये गिवन है। सो अगर हम यहाँ से देखे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हम इसका डेरिवेटिव कर दे दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास π/2 कांस्टेंट है, वैल्यू आएगी 0, एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। सो अगर हम यहाँ से देखें इसको, अगर हमने सिंप्लीफाई करना हो, सो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से दी हुई क्या है -π/2 से +π/2 के बीच में ही होगी। सीन्स हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है बिटवीन -π/2 टू +π/2 ही आ रही है हमारे पास यहाँ से। सो अगर हम यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखें, हमारे पास ये वैल्यू बड़ी आएगी 1 से, ये तो हम क्लियर कह सकते हैं। सो 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर हम यहाँ से देखें, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लेस देन 1 आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, लेस देन इक्वल्स टू ये 1 हो सकती है। अगर ये वैल्यू हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी देन इसके केस में यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ से आ रही है, ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या लिख सकते हैं लेस देन 1 आ जाएगी। यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 आ रही है। अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आती है देन इसके केस में अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें सो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी एफ डैश एक्स मस्ट बी लेस देन 1 आ गई, ये प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है देन हमारे पास यहाँ से हमारा स्टेटमेंट पी ट्रू हो जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये स्टेटमेंट हमने यहाँ से ट्रू कर देना है। ये स्टेटमेंट अगर यहाँ से ट्रू होगा तो अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट एफ है फिक्स पॉइंट, सो फिक्स पॉइंट के लिए यहाँ से अगर हम देखें फिक्स पॉइंट हमारे पास कब होंगे, जब हम यहाँ से लिख सके एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास एक्स आ जाए, उसके केस में फिक्स पॉइंट होते हैं हमारे पास यहाँ से। जो भी प्रॉपर्टी जो भी एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स को होल्ड करती है वही हमारे पास फिक्स पॉइंट कहलाता है। सो अगर एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखें तो π/2 प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स हमारे पास यहाँ से एक्स आएगा, इक्वल्स टू हम यहाँ से एक्स लिखेंगे दोनों साइड अगर देखें तो हमारे पास x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें सो π/2 माइनस ऑफ टेन इनवर्स x अगर हमारे पास ये आ रहा है इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो टेन इनवर्स x इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास यहाँ से π/2। अब यहाँ से टेन इनवर्स x की वैल्यू π/2 हमारे पास कब होगी, यह टेन इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास π/2 तभी होगी जब हमारे पास x इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाए इनफाइनाइट आ जाए। बट अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास इस क्वेश्चन में
यहाँ से हमने क्या गिवन है, एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के इंटरवल में ही हमने ले ली होगी। सो ये प्रॉपर्टी तो हमारे पास है, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कभी भी हमारे पास पाई बाई टू के इक्वल हो नहीं सकती। अगर इक्वल नहीं हो सकती देन हमारे पास यहाँ से हम कह सकते हैं डायरेक्टली हमारे पास एफ में एक भी फिक्स पॉइंट नहीं होगा। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। सो यहाँ से हमारे पास केवल एक स्टेटमेंट ट्रू है, पी स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू होगा। सो यहाँ से पी इज ट्रू बट क्यू इज फॉल्स, हमारा बी स्टेट ऑप्शन जो है यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।